नमस्कार दोस्तों, अवचेतन मन तक अपने संदेश पहुंचाने का और एक बेहतरीन तरीका। हम ये चाहते हैं कि हमारी बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाए किसी तरह। और यह आपको पता है कि सबकॉन्शियस माइंड तक जो संदेश हमारे पहुंच जाते हैं वो जीवन में घटना बनकर घटने लगते हैं। अब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर है इस विषय पर आपने बहुत सारे वीडियो देख लिए होंगे। सबकॉन्शियस माइंड की आपको जानकारी भी होगी। वैसे भी मैंने अपने अन्य वीडियो में कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंडों को डिटेल में समझाया कि इनसे क्या क्या फायदे होते हैं। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमारे मैसेज तो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचते ही नहीं, वो तरह तरह की टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हो सकता है कोई टेक्निक किसी के लिए काम करती हो, कोई टेक्निक किसी के लिए काम करती हो, तो ये बड़ी सिंपल टेक्निक है, आपके साथ शेयर कर रहे हैं और आप इसे अप्लाई करेंगे तो जरूर फायदा होगा। इसमें क्या करना, ब्रीद इनहेल करनी है। दिन भर तो हम ब्रीद लेते हैं, इनहेल और एक्सेल, इनहेल और एक्सेल पूरा दिन। तो अगर इन श्वासों के साथ हम कुछ प्रयोग भी करें तो हमें बड़ा फायदा होगा। सिर्फ श्वासों पर ध्यान देने से मेडिटेशन होने लगता है। सिर्फ श्वासों को बदलने से शरीर की चिकित्सा कर सकते हो आप। तो 24 घंटे चलने वाली सांस जिसको लेने और छोड़ने के लिए हमें कोई अतिरिक्त कार्य नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो इसमें अगर हम अपनी थोड़ी सी अवेयरनेस, थोड़ी सी योग्यता, थोड़ी सी जानकारी जोड़ दें तो क्या होगा, बहुत सारे काम हमारे अपने आप होने लगेंगे। तो आपको क्या करना है, जब ब्रीद इनहेल करते हो तो कुछ भी नहीं करना है, और जब एक्सहेल करते हो तो जो भी आपकी विश है, जो भी आपका काम है, जो भी आप बोलना चाहते हो, एक सेंटेंस बना लो, मेरा सो एंड सो काम हो गया है, मुझे इस काम में सफलता मिल गई, कोई भी एक विश लेनी है। जब ब्रीद इनहेल करना है तो कुछ नहीं बोलना है, जब एक्सहेल करना है तो इस सेंटेंस को बोलना है, आंखें बंद करके फीलिंग के साथ बोलना है। और अगर आंखें बंद करके नहीं बोल पा रहे तो खुली आंखों से भी आप बोल सकते हो। फिर इनहेल करना है और फिर एक्सहेल करते हुए उस विश को आपको बोलना है कि मेरा ये काम हो गया है। फिर इनहेल करना है, फिर कुछ नहीं बोलना, फिर एक्सहेल करते समय उस काम को बोलना है कि मेरा ये काम हो गया है। तो बस एक बार में आप इसे 11 बार कर लो तो हार्डली एक मिनट लगेगा, और फिर दिन में कई कई बार कर लो आप, तो क्या होगा, ब्रीथ पर आपका टेंशन रहेगा, मन आपका यहां वहां भटकेगा नहीं, और उस समय आप विचार करोगे तो बड़ी इजीली सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आप 11 बार की जगह 21 बार भी कर सकते हो, दिन में अनेकों बार कर सकते हो, उठते बैठते जागते सोते जब मर्जी तब करो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जहां मर्जी वहां करो, क्योंकि ब्रीथ तो हम हमेशा लेते ही रहते हैं ना। तो सांस तो ले रहे हैं तो इसके साथ और भी ज्यादा फायदा कैसे ले लें, अगर ये तरीका समझ में आ जाए तो और भी आसान है। तो जब भी ब्रीथ को इनहेल करो कुछ नहीं बोलना है, एक्सहेल करो तो क्या करना है, अपनी विश को बोलना है कि मेरा ये काम हो गया। सबकॉन्शियस माइंड तक वही संदेश पहुंचते हैं, तभी पहुंचते हैं जब आपका कॉन्शियस माइंड शांत होता है। इसीलिए जो बहुत ज्यादा मेडिटेशन करने वाले लोग होते हैं ना, उनकी विशेष पूरी होने लगती है। पता है आपको, ज्यादा मेडिटेशन करने वाले लोग, अब ऑब्जर्व करना अपने आसपास, कई बार ऐसा होता है कि बहुत साल से मेडिटेशन कर रहे हैं, बहुत मेडिटेशन कर रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों ने उन्हें पकड़ लिया है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं, वो एकदम साइलेंस स्टेट में है, और जाने अनजाने में उन्होंने किसी व्यक्ति को देख लिया, बीमार व्यक्ति को, और उससे कोई रिलेटेड थॉट उनके माइंड में आ गया, ब्लड प्रेशर हो गया इसको, कहीं मुझे ना हो जाए ब्लड प्रेशर, अब इस थॉट ने पकड़ा उन्हें और उन्हें बीपी हो गया। अक्सर मैंने देखा है बरसों से लोग मेडिटेशन कर रहे, बहुत ज्यादा साइलेंस में जी रहे और बुरी तरह बीमार, वो सिर्फ ये अवेयरनेस ना होने की वजह से रोगों को पकड़ लेते हैं, वो अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं, यही मिस्टेक होती है उनसे और कुछ नहीं। ऐसी तमाम घटनाएं मेरी जानकारी में आई। और जब आप बहुत ज्यादा मेडिटेशन करते हो और आप अपने डिजायरेबल थॉट को अपने माइंड में क्रिएट करते हो, लाते हो बार बार, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में इजीली शिफ्ट हो जाते हैं। तो साइलेंस माइंड से भेजे गए संदेश सबकॉन्शियस माइंड में इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं। तो जब आप मेडिटेशन, ये टेक्निक मैं नॉर्मल लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन्हें मेडिटेशन की ज़्यादा जानकारी नहीं है, जो कर नहीं पाते, जिनके पास वक्त नहीं है, जिनके पास हजारों हजार बहाने हैं कि सर हमारे पास अपने लिए टाइम नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं सर हम तो बहुत बिजी हैं,
हमारी शॉप है, हमारी जॉब है, हमारा बुटीक है, हमारी पढ़ाई है, ये है वो है, तो हमारे पास टाइम नहीं। अपने लिए हमारे पास टाइम नहीं होगा तो फिर आपके लिए किसके पास टाइम होगा? कई लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, तो पहली बार तो मैं उनसे फ्री में बात करता हूँ, उन्हें टाइम देता हूँ कि आप मुझे 10 बजे कॉल कर सकते हो। फिर नेक्स्ट डे उनका मैसेज आता है, सॉरी सर हम बिजी हो गए, आपको कॉल नहीं कर सकते, दोबारा टाइम दे दीजिए। तो फिर समझो दोबारा टाइम भी दे दे तो भी मिस कर देते हैं वो। यानी कि उन्हें अपने लिए ही टाइम नहीं है। ये तो वही बात होगी ना, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। यानी कि जिसका अदालत में मुकदमा चल रहा है वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा, और जो गवाही देने आ रहा है वो पटर पटर कर रहा है। अरे आपको अपने लिए तो वक्त निकालना पड़ेगा ना थोड़ा बहुत, अगर आपको अपना जीवन बदलना है। तो जब तक आप खुद के लिए वक्त नहीं निकालोगे तब तक आप अपने जीवन को बदल नहीं पाओगे, और अगर आप अपने खुद के लिए वक्त नहीं निकालोगे तो कौन वक्त निकालेगा आपके लिए? जरा समझो तो इस बात को। तो जो एक्सरसाइज है इसे करके जरूर देखिएगा। अगर मेरे ऑडियो वीडियो अच्छे लगते हो तो थम्स अप का बटन दबाकर लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि किस टेक्निक से आपको कितना फायदा हुआ। लोग मुझे फीडबैक देते हैं, सर हमें इतना बेनिफिट हुआ, ये बेनिफिट हुआ, तो मैं उनको बोलता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। लोग इंस्पायर होते हैं इससे, लोगों को बड़ा फायदा होता है। ये परोपकार का कार्य, अगर आपकी वजह से किसी को थोड़ा बहुत भी फायदा हो जाए तो कम से कम इतना तो करना हमारा फर्ज बनता है, करना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपना समय देते हैं। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिए। बहुत सारे नए नए वीडियोस आपको मेरे देखने को मिलेंगे, लगभग रोज ही मैं नए वीडियोस अपलोड करता हूँ। शुक्रिया दोस्तों।